वेलकम टू बीटीएस न्यूज़, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। आइए देखिए विस्तार से। और सेकुलरिज्म का दुश्मन और एक तड़ी पार बैठे हैं यहाँ पर अमित शाह। जब से मुसलमान परेशान है, जब से इन्होंने हुकूमत को संभाला, तो सिर्फ ये है मुसलमानों के लिए दुश्मनी ही दुश्मनी, कि ना तो हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर इनका कोई ख्याल नहीं है, ना तो तरक्की हिंदुस्तान की जो है बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने छुपाने के लिए CAA और NRC लेकर आए हैं। लेकिन दानिशमंद लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी चाल क्या है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बड़ा है, हमारे साथ है। जुम्मे की नमाज में नमाजी बावजूद यहाँ आए हैं। इंशाल्लाह इनकी दुआएं भी कबूल होंगी। हाफिज साहब आपकी दुआओं सुने, आपकी दुआएं आपके लिए दुआ करेंगे, सारे हिंदुस्तान के लिए करेंगे। ताजुब की बात यह है कि कुछ दिनों से इनके मीडिया जो है कुछ मुसलमान औरतों को, कुछ मुसलमान मर्द आदमियों को लेकर इंडिया TV पे ZTV पर बैठे हैं कि वो जो है इसकी तायीद कर रहे हैं। एक दो तीन मौलाना को बिठाए हैं, वो खवातीन उनकी बेइज्जती कर रही है। हम खामोश देखना पड़ रहा है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, इसी इतिहास से ये ZTV भी बंद होगा, इसी इतिहास से India TV भी बंद होगा। इंशाल्लाह यहाँ एक सेकुलर हुकूमत कायम होगी जो आपकी सुनेगी, सबको मिलकर लेकर चलेगी। नौजवानों साथियों, सब टीवियों के ऊपर एक डिबेट हो रहा है CAA। हम CAA के लिए हम कहते हैं हम भी राजी हैं, लेकिन CAA ये बताते हैं कि भाई पाकिस्तान और जो है अपने बांग्लादेश के हिंदुओं को यह नागरिकता देने के लिए है, लेकिन 30 करोड़ मुसलमानों के लिए क्यों, इनसे क्यों मांगा जा रहा है। हम ये सवाल उनसे कर रहे हैं कि वो चाहते ये हैं कि भाई जो बूढ़े हैं उनका भी एक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं पहले जमाने के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, घरों में बूढ़े पैदा होते थे। आज आसाम में बूढ़ों को उसके अंदर डाल दिया गया है, वो बेचारे भूखे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आम में हम तक वो न्यूज नहीं आ रही है। वो तड़प तड़प कर हमारी तरफ देख रहे हैं। आज उनके लिए भी दुआ होनी चाहिए। इंशाल्लाह आज उनके लिए भी हम ठहरे हैं। जो ये काला कानून लेकर आए हैं, तो सिर्फ ये हमारी दुश्मनी हमारे वास्ते लेकर आए हैं, सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह बड़ा है, ये होने नहीं देगा। इतने लोगों की दुआएं खाली नहीं जाएगी, सारे हिंदुस्तान के अंदर दुआ की जा रही है। सलाम है उन शाहीबाग के खवातीन के लिए जो अपना घर बार छोड़े हैं, बच्चों को लेकर बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला उनकी भी जो है ये मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। नौजवानों साथियों, CCA हम बताते हैं, बेशक तुम पाकिस्तान के हिंदू को नागरिकता दो, बेशक तुम बांग्लादेश के दो, लेकिन वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, तो फिर तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही है। कहते हैं बर्तानिया के बाद हमारी जो है हुकूमत मजबूत है, हमारे लोग मजबूत है, तो भेजो तुम्हारे लोगों को। अगर हमारे दरमियान में कोई बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, मुसलमान निकाल कर तुमको देगा, लेकिन तुम 30 करोड़ मुसलमानों को नहीं परेशान कर सकते। सिर्फ एक बहाना है ये मुसलमानों को सताने का, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अल्लाह है। इंशाल्लाह ताला जिसके साथ अल्लाह हो, तो फिर वो कौम जो है कभी मायूस नहीं हो सकती। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमको कामयाबी होगी। खवातीन हमारी निकली हैं, बच्चे हमारे निकले हैं, नौजवान यहाँ मौजूद है, बूढ़े यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज ही हम यहाँ से अल्लाह के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ हम यहाँ से जाएंगे। आप सब यहाँ जमा हुए हैं, शुक्रिया। लेकिन हर आवाज के ऊपर आवाज दे, हर आवाज के साथ आवाज मिलाएं, तभी जाकर हम कामयाब होंगे। घरों में बैठकर नहीं, नौजवानों साथियों, आवाज देना होगा, आवाज बनना होगा, एक ताकत बनना होगा, तो सेकुलरिज्म कायम होगी, सेकुलरिज्म चलेगी। इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो है और भी मुखातिब है करने वाले, लेकिन हमसे आपसे गुजारिश ये है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों को सताने के लिए है, इसके बाद और कुछ कानून लाने वाले है ये लोग, लेकिन इंशाल्लाह आज हम डटेंगे तो वो कानून भी आने से पहले बंद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह। चाहे वो कोई भी मसलक से रहो, चाहे अहले हदीस रहो, सुन्नी रहो, तबलीगी रहो, जो भी रहो, हम एक जगह जमा होते हैं और इसी साथ जब भी देश की बात आती है, मुल्क की बात आती है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे सब मिलके लड़ते हैं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हम सिर्फ अपने